बचपन में आप लोगों ने विक्रम बेताल का सीरियल तो जरूर देखा होगा। वहां पे बेताल जैसे विक्रम को पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही दोस्तों जो लोग मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, हम लोग निफ्टी का मूव हर दिन पकड़ लेते हैं। 1,52,000 से ज्यादा प्रॉफिट एक दिन में दोस्तों, 42,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 23,000 से ज्यादा प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को जस्ट क्लिक कीजिए और जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज के दिन पूरे बॉटम से आप बोल सकते हैं हम लोगों ने निफ्टी को पकड़ा 10 बजे। टाइम आपके सामने है, प्रूफ आपके सामने है। 18,217 का लेवल दिया था, कहा था कि निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलना चालू करेगा तो हमें कॉल खरीदना है, उसके बाद आप मैजिक दरा देखिए। बूम दोस्तों, जैसे ही अगर आप देखेंगे निफ्टी ने मेरे लेवल को ब्रेकआउट दिया, एक बहुत ह्यूज मोमेंटम दिया, और पूरे दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों निफ्टी ने इसी लेवल के ऊपर रॉकेट बनता रहा, पूरे के पूरे 90 पॉइंट से ज्यादा अपसाइड मोमेंट देना, क्लियर कट बता देना। यह अपडेट सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्री वाले ग्रुप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। क्योंकि लोग दोस्तों पैसा बना के रखे हैं भाई साहब, पहला दिन हफ्ते का, और यही मैं चाहता हूं कि लोगों के पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन दिखे। आज अगर देखेंगे भर भर के प्रॉफिट किए हैं, तो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है और जिस तरह का अपसाइड का मूव दिया है दोस्तों, सीरियसली कॉल राइटर का बैंड बजा, कॉल राइटर का लिटरली बैंड बज चुका है। अगर आप देखेंगे यहां पे पूरे के पूरे सारे कॉल राइटर दोस्तों कहीं ना कहीं वाइप आउट हो चुके हैं। क्या अगले दिन यानी कि कल के दिन पिछले गुरुवार के जैसा मोमेंट देखने को मिलेगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारे कॉल राइटर हो गए ट्रेड, फ्राइडे के दिन बहुत खुश हुए थे, लेकिन आज के दिन इनका दोस्तों सच में बोलूं बहुत बुरा दिन रहा। तो चलिए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे और क्लियर कट दोस्तों हम चालू करेंगे बैंक निफ्टी से। जो लोग न्यू कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कमेंट पे, डेफिनेटली दोस्तों बहुत जल्दी आने वाला है, जो लोग फ्री वाले ग्रुप पे जुड़ेंगे उनको ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं कुछ चाहता हूं कि बनाऊं तो अच्छा बनाऊं, कुछ भी आपको बना के दे दूं नहीं, मेरा मन नहीं मानता दोस्तों। एक इंडिकेटर बेस्ड सेटअप है, उसको ढूंढने में टाइम लग रहा है कि यार कुछ और अच्छा बनाऊं बोल के, थोड़ा टाइम लगे ही सही, लेकिन कुछ अच्छा लेके आऊंगा, कुछ भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। तो चलिए सिंपल बात है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूं, कल के दिन प्लानिंग बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और 43,418 इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लग गया, सीधे आपको बैंक निफ्टी 43,588 तक देखने को मिल जाएगा इजीली। यानी कि 43,418 के ऊपर हम लोग बैंक निफ्टी को कॉल खरीदेंगे, इसके ऊपर क्लियर सस्टेन होते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला रीजन है दोस्तों, आज अगर देखेंगे निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव नहीं किया। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी खुला और एक रेंज के अंदर जो ये 2-3 कैंडल मारा ना भाई साहब, माइंड खराब हो जाएगा, सोचेंगे यार यहां से कहां से ट्रेड लूं बोल के। तो ये जो लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मोमेंटम कैच किए, लकी थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे 9:45 के बाद पूरे के पूरे बैंक निफ्टी का चार्ट डेड हो गया, कोई मोमेंटम नहीं, एक ही रेंज के अंदर घूमता रहा। इसीलिए पूरे दिन में देखा भी नहीं, इसको दिया भी नहीं कोई अपडेट, पता चल गया था यही नाटक होने वाला है। लेकिन दोस्तों कल के दिन भागने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी, तो सिंपल बात है आज का जो डे हाई है 43,418 दोस्तों, ये जो हाई आप देख रहे हैं ना, तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और इसी हाई के ऊपर निकलना चालू किया, देन डेफिनेटली हमें कॉल खरीदना है। क्योंकि पूरे दिन दोस्तों आज के दिन बैंक निफ्टी एक स्क्वीज होकर रेंज में रह चुका है, तो कल के दिन रेंज ब्रेक करते हैं आपको बड़ा मोमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। हां, कल के दिन अगर गैप अप खुला तो 43,588 के ऊपर डेफिनेटली आप लोग कॉल खरीदिए। इसके पीछे भी रीजन बहुत सिंपल है, आप देखिए जहां से दोस्तों फ्राइडे के दिन फॉल शुरू हुआ, एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, तो इसी के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलना चालू करेगा देन डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं कॉल बाय करना है। इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों, ओके। अब दोस्तों हमें पुट कब खरीदना है, देखिए पुट अगर समझ लीजिए कल के दिन गैप डाउन थोड़ा सा खुला और 43,166 इस लेवल के नीचे जाना चालू किया, देन डेफिनेटली हमें पुट खरीदना है। इसके पीछे रीजन मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी को, यहां पे एक मुझे कहीं ना कहीं जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये देखिए, ये मैं आपको समझाना चाहता था। सिंपल बात है 43,166 तो एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी आज के दिन कहीं ना कहीं खुला, एक क्लियर कट अपसाइड मूव दिया, यहां पे एक डिप मारा और यहां पे एक डिप मारने के बाद दोस्तों सपोर्ट क्रिएट हुआ और यहां से अगर आप देखेंगे धीरे धीरे बायर मार्केट को ऊपर लेके आज के दिन चले गए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 43,166 तो एक क्लियर कट सपोर्ट है, जहां से डिप मार के ऊपर गया इसके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। उससे पहले छोटा छोटा सपोर्ट भी कल के दिन टूटना चाहिए। छोटू सपोर्ट क्या है 43,222। अगर आप देखेंगे यहां पे दोस्तों, देखिए बार बार अगर आप देखेंगे मार्केट इसी प्लेस को कहीं ना कहीं टच करके ऊपर जा रहा था, एक ट्रिपल बॉटम भी बनाया, बार बार टच करके ऊपर गया है। तो कल के दिन अगर फ्लैट खुला और ये छोटू सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया प्लस बड़ा सपोर्ट 43,166 को ब्रेकडाउन किया, तो ही आपको कहीं ना
के डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 43,334 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे चुका है बैंक निफ्टी। अब जल्दी जाते हैं दोस्तों सीधे ऑप्शन चेन पे। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, ये हमारा कॉल राइटर, ये हमारा पुट राइटर, एंड क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी 43,350 पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप आज के दिन देखेंगे बैंक निफ्टी खोलते ही जो 400.2 कैंडल में मारा दोस्तों, इनका सारा हालत खराब। अगर आप देखेंगे 43,000 के लेवल से 11 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर वाइप आउट हो चुके हैं। उसके पीछे अगर आप देखेंगे -3 लाख, उसके पीछे अगर आप देखेंगे दोस्तों -5 लाख, उसके पीछे देखेंगे -4 लाख, सारे के सारे कॉल राइटर वाइप आउट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जहां पे हमारा खड़ा है लाइक बैंक निफ्टी, तो 43,350 के आसपास खड़ा है। तो 43,300 पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे कितने कॉल राइटर बैठे हैं, 13 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, और 43,400 पे 8 लाख से ज्यादा। और ऊपर ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है, 43,600 पे लेवल पर अगर आप देखेंगे 3 लाख से ज्यादा कॉल राइटर भागे हैं, डर आप देख पा रहे हैं। 43,800 के लेवल पर आप देखिए 2 लाख से ज्यादा कॉल राइटर भागे हैं, डर आप देख पा रहे हैं। यानी कि 43,000 अगर कल के दिन गलती से टूटा या फिर 50 के ऊपर सस्टेन किया, फिर 400 के ऊपर, तो वैसे भी दोस्तों आगे कोई कॉल राइटर है नहीं, रास्ता खाली है। बहुत बैंक निफ्टी ऊपर अपसाइड मूव कर सकते हैं क्लियरली, क्योंकि नीचे से अगर आप देखेंगे सारे पुट राइटर भर चुके हैं। 43,000 के लेवल पर अगर आप देखेंगे 33 लाख, उसके नीचे 9 लाख, उसके नीचे 12 लाख, बहुत अच्छा खासा पुट राइटर भर चुके हैं। तो क्लियर हमें एक व्यू मिल गया। अब जल्दी चले जाते हैं दोस्तों निफ्टी, निफ्टी का क्या हाल चाल है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर निफ्टी कल के दिन दोस्तों बाइंग के बारे में, ठीक है, बाइंग के बारे में पहला कदम है, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप डाउन खुला और 18,232 से 18,212 ये लेवल, दोनों लेवल यानी कि इसको एक जोन मार कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं निफ्टी यहां पे से गैप डाउन खुला, नीचे आया इसी लेवल के अंदर यानी कि इस जोन के अंदर घुसा, और उसके बाद अगर समझ लीजिए यहां से ऊपर जा रहे हैं यानी कि इसी जोन को टच करके यहां से अगर एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना दिया, तो यहां से आपको मूव अपसाइड ही देखने को मिलेगा। क्लियर है आपको? आप बोलोगे कि भाई किस रीजन के वजह से ये दे रहे हो। देखिए पहले तो दोस्तों 18,212 से 18,232 एक सपोर्ट जोन है, करो करेक्ट, इसके पास आएगा एक ग्रीन कलर का 15 मिनट में, अगर एक ग्रीन कलर कैंडल यहां पे ऐसे करके अगर बना दिया, तो उसी 15 मिनट ग्रीन कलर कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। क्योंकि देखिए 18,212 अगर आप देखेंगे दोस्तों, क्लियर कट एक रेजिस्टेंस था हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस, आज के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखेंगे ऊपर गया, डिप मारा, यहां पे फिर छोटू सा कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, तो यहां पे भाई एक सपोर्ट बन गया, नीचे पहले से रेजिस्टेंस था, अब आज के दिन ब्रेकआउट दिया तो सपोर्ट बन चुका है, तो एक कंप्लीट सपोर्ट जोन है। तो इस जोन को टच भी किया, यहां से 15 मिनट कैंडल बनाया कॉल बाय, अंदर घुस के 15 मिनट कैंडल बनाया कॉल बाय, इतना क्लियर हो गया हमें। अब दूसरा कॉल कब बाय करना है, अगर फ्लैट खुला और 18,286 के ऊपर जाना चालू किया तो कॉल बाय करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज का दिन का जो हाई है दोस्तों यही एक रेजिस्टेंस के जैसा आज के दिन काम करेगा, क्योंकि निफ्टी ने बैंक निफ्टी से ज्यादा स्मूथ मोमेंटम दिया है। बट आखिर में आके कहीं ना कहीं एक ही प्लेस पे अगर आप देखेंगे रेंज बना के स्टॉप हो गया, तो फ्लैट खुला और 18,286 आज का डे का हाई ब्रेक किया, तो हम कॉल खरीदेंगे। तीसरा प्लान दोस्तों, अगर समझ लीजिए गैप अप खुला और 18,318 भी अगर ब्रेक कर रहा है, तो भी हमें कॉल खरीदना है। इसके पीछे अगर मैं बहुत पीछे जाके आपको रीजन बताऊं तो आपको मजा आने वाला है इसका रीजन देखे। ये देखिए 18,318 क्यों मैंने दिया, आपको समझ में आ रहा है, अभी आपको क्लियर कर देखिए दोस्तों। ये बेसिकली 22 दिसंबर का कहीं ना कहीं कैंडल है, और अगर आप देखेंगे दिन खुला और खुलते ही दोस्तों 9:15 पे यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और एक बहुत अच्छा खासा पैनिक सेलिंग दिखाया, तो ये एक क्लियर कट अभी रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो 18,318 के ऊपर अगर कल के दिन गैप अप भी खुल के इसके ऊपर जाना चालू करता है, तो भी कहीं ना कहीं हम कॉल खरीदेंगे। सेल कब करेंगे, अगर कल के दिन गैप डाउन वगैरह खुला और 18,212 जो आपको बताया ना एक सपोर्ट जोन, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग गया तो ही सेल करेंगे, से पहले सेल के बारे में मत सोचिए। 18,264 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके निफ्टी के ऑप्शन चेन पे ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर, और आज के दिन इनका हालत तो खराब होना ही था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई निफ्टी क्या ही मोमेंटम क्या है। हमने तो जो लोग फ्री वाले ग्रुप पे जुड़े हमने तो पूरे के पूरे बॉटम से दोस्तों निफ्टी को पकड़ा है, आप समझ सकते हैं निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम किया। तो सिंपल बात है दोस्तों, कॉल राइटर का तो बैंड बजना ही था, सोचे नहीं थे, वो सोच रहे थे कि यार फ्राइडे गिर गया आज के दिन भी गिरेगा, बट नहीं, लिटरली इनका दोस्तों हालत खराब है। अगर आप देखेंगे 41 लाख कॉल राइटर भागे हैं, -32 लाख, तो -20 लाख, -4 लाख, -8 लाख, सब माइनस में है। लेकिन अगर आप देखेंगे 264 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ऊपर का अगर हम कॉल राइटिंग डिस्कस करें तो 18,300 पे अगर आप देखेंगे 18 लाख ठीक ठाक है, 18,350 पे अगर आप देखेंगे 6 लाख, उसके ऊपर 15 लाख, नहीं कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहे हैं। बट
अगर मैं पूट राइडर की बात करूं, यहां पे एक बहुत बड़ा फिगर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 18,200 पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, 72 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं पूट राइडर बैठे हैं। 72 लाख दोस्तों, 18,250 पे अगर आप देखेंगे 49 लाख, 18,150 पे अगर आप देखेंगे 18 लाख, उसके नीचे भी 30 लाख, यानी कि बहुत अच्छा पुट राइटिंग हुआ है। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि ऊपर एगन कल के दिन टिकेगा। अगर 18,300 के ऊपर टिक गया तो फिर मार्केट आपको अपसाइड ही जाते हुए दिखेगा। अब जल्दी थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं हमारा फिन निफ्टी में, क्योंकि बहुत लोग मतलब कम लोग कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में काम करते हैं, बट उनका डिमांड रहता है दोस्तों और मजा भी आता है आजकल फिन निफ्टी में। तो देखिए कल का हमारा सिंपल व्यू है, फिन निफ्टी अगर फ्लैट खुला और 19,361 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग गया, टारगेट आपको 19,492 या फिर 19,462 तक देखने को मिल जाएगा। प्लान नंबर वन हमारा सिंपल ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुला ठीक है और 19,361 के ऊपर गया, इसके पीछे रीजन अगर मैं बताऊं आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, ये छोटू सा रेजिस्टेंस था बेसिकली, इसको मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मतलब पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, यानी कि ये सपोर्ट था। तो बट क्या हुआ कि आप देखिए खुद ही देख लीजिए, सपोर्ट के नीचे एक दिन मार्केट खुला, यानी कि फिर रेजिस्टेंस ये बन चुका है। आज का डे का हाई भी कल के दिन अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब अगर मैं बताऊं कि गैप अप खुल के ऊपर चला गया और 19,462 से 19,493 इसको टच करके यहां से रिजेक्शन दिखाया तो हमें सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर कट एक रेजिस्टेंस जोन है। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, एक क्लोजिंग प्राइस है और एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इस जोन को टच किया तो यहां से सेल, फ्लैट खुला तो ऊपर ब्रेकआउट किया तो बाय, फ्लैट या फिर गैप डाउन खुल के 19,245 के नीचे गया तो सेल, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर गया डिप मारा फिर ऊपर गया, तो ये जो डिप मार के ऊपर गया है ये एक सपोर्ट है जैसे निफ्टी में है, तो इसके नीचे अगर आएगा तो ही हमें कहीं ना कहीं पुट खरीदना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाइए दोस्तों फ्री वाले ग्रुप पे अभी के अभी ज्वाइन हो जाइए, अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका प्यार कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।